राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के मिलने के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत काफ़ी तेज हो गई है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है, जिसके बाद से तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी एरी चोटी लगाए हुए हैं कि किसी भी हाल में इस बार योगी सरकार को मात दी जाए। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब थी और उनकी स्वास्थ्य थोड़ी सी ठीक हुई, तो वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव मिल रहे हैं और तकरीबन 2-3 घंटे तक इनसे बातें भी हुई। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। संभावना व्यक्त की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव सपा के जो सुप्रीमो हैं मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश प्रसाद यादव से मिल करके और वहाँ की गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। सवाल यह है कि चाहे वो मुकेश सहनी हो या फिर हम के जीतन राम मांझी, तमाम लोग योगी सरकार को चारों तरफ से मात देने की तैयारी में लगे हुए हैं। हाल ही में एक घटना आपको बता दें कि मुकेश सहनी जब बनारस में गए थे तो योगी सरकार की पुलिस ने उन्हें एंट्री नहीं करने दी थी और उनके साथ धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई थी। और उसी के बाद से देखा गया कि उत्तर प्रदेश जो है उसकी सियासत तेज हो गई। बिहार में मुकेश सहनी आने के बाद से बयान दिए थे और उसके बाद से हम के भी जो नेता हैं जीतन राम मांझी, उनका भी एक बड़ा बयान आया था और हमने यह भी ऐलान कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश से हमारी तैयारी है। अब जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह का मिलन हुआ, ऐसे में लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने